वेलकम बैक टू कुहे न्यूज़, आई एम योर मुस्कान। सो आज का व्लॉग है कुछ स्पेशल नहीं तो आज का व्लॉग है क्वेश्चन आंसर वाला, कि जो मेरे को क्वेश्चन आते हैं इतने सारे, तो मैं उनके आंसर देने वाली हूँ आज आपको, रिलेटेड टू हेयर्स ओनली। ओके, तो मुझे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लाइक स्मूथनिंग एक्सपीरियंस जो हमने करवाया था, हमारे क्या और डिफ़िकल्टीज हुई है, क्या नहीं हुई आफ्टर स्मूथनिंग, तो ये सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी आज, ठीक है। एंड तक बने रहना मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स भी दूंगी, अगर आप स्मूथनिंग करवाते हैं तो आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या अपने हेयर्स पर अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ। क्योंकि जो एक मेकओवर पार्लर वाले जिससे भी आप करवाते हो वो ये नहीं बताते हमें, ये हमें खुद से ही, मैंने भी एक्सप्लोर किए थिंग्स, तो हमें भी जब भी पता चलता है कि हमें अपने हेयर्स में ये यूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको ये सब कुछ आज बताने वाली हूँ, तो बने रहना एंड तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम मतलब ब्लॉग। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मुझे आता है कि आप लोगों ने जब स्मूथनिंग करवाई तो आपके हेयर्स डैमेज नहीं हुए, आपके हेयर फॉल्स नहीं हुए, या आपके बाल पतले नहीं हुए, ये क्वेश्चन मुझे आते हैं हम सिस्टर्स को। सो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि स्मूथनिंग के बाद अपने केयर्स, आप हेयर केयर कैसे कर रहे हो, ये आपके हैंड में है। अगर आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, अच्छे से शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके हेयर फॉल ज़रूर होएगा एंड हेयर डैमेज के चांसेस है। मैंने अपना हेयर कलर जो लिया था वो आफ्टर स्मूथनिंग लिया था, तो भी मेरे डैमेज नहीं हुए। इवन हम फोर सिस्टर्स हैं, आपको बताइए, हम फोर सिस्टर्स ने अपनी स्मूथनिंग करवा रखी है, बट टचवुड किसी के भी डैमेज नहीं हुए, किसी का भी हेयर फॉल नहीं हो रहा, सबके परफेक्टली चलते हैं एंड हमारे ढाई दो साल तक चल जाते हैं। सो जो इसका क्वेश्चन का आंसर है मैं दूंगी, अगर आप हेयर स्मूथनिंग कराने का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ अपने दिमाग में डाल लेना, पहले तो जो आप पार्लर चूज़ कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसके फीडबैक्स देख लेना, पार्लर के रिव्यूज़ देख लेना कि जिसने करवाई है पहले। मैं आपको प्रेफर करती हूँ आप उस पार्लर में जाओ, कस्टमर से रिव्यू लो, जो पहले आते हैं वहाँ पर पता चल जाता है, उनसे रिव्यू लो पार्लर कैसा है, यहाँ पर काम सही होता है या नहीं, क्योंकि हमने भी यही किया था, क्योंकि पार्लर के रिव्यू ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्लर वाले ने अगर ख़राब सामान यूज़ कर दिया तो आपके दवाल गए। फर्स्ट स्टेप आपको पार्लर आइडेंटिफाई करना है, कैसा पार्लर है कैसा नहीं है, ट्रस्टेबल होना चाहिए, वो गारंटी लेना चाहिए कि आपके हेयर्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे स्मूथनिंग के बाद, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। सेकंड, जो वो स्टेप्स बताते हैं आपको लाइक क्या क्या यूज़ करना है क्या क्या, उनको इग्नोर मत करना, सुनो उनकी, बट उनको कुछ टाइम के लिए यूज़ करना, नॉट फॉर द लाइफ लाइन। ओके, जब तक आपके दो साल तक स्मूथनिंग चल रही था आपको, जब तक आपको वो यूज़ करना, नो, आपको वो बोलेंगे ये शैम्पू यूज़ करना है, वो अपने शैम्पूज़ भी आपको देंगे, तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि उनके शैम्पूज़ आप ना लें, आप बाहर मार्केट से परचेज़ करें एंड शैम्पू के नाम मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से यूज़ करने हैं आफ्टर स्मूथनिंग। ओके, स्मूथनिंग के थ्री डेज तक वो बोलते हैं आपको केयर करनी है, ओपन हेयर्स रखनी है, थोड़ी भी मुंडे नहीं चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, या दे आर राइट, आपको ये 3 दिन ही सबसे ज़्यादा केयर करनी है कि बाल ना हल्के से भी ऐसे भी ना हो जाए बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वो अगर वो ऐसे भी हो गए ना तो उसी टाइम पे मुड़ जाएंगे, फिर वो सही होएंगे ही नहीं, तो इसलिए आपका जो वो कहते हैं थ्री डेज़ तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने हेयर्स को लेके, जैसा वो बोल रहे वैसा ही सब कुछ करना है। तो ये 3 डेज़ तो आपके थोड़ा टफ भी रहेगा, सोया भी नहीं जाएगा, आप लेग भी बहुत पेन होगी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, विदाउट पिल्लो सोना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा नेक पेन होती थी, फेस वॉश नहीं किया जाता, नहाया नहीं जाता था, तो बहुत 3 डेज़ से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो ये 3 डेज़ ही है, बट उसके बाद जो है ही फिर तो अच्छा लगता ही है, हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, दे लुक नाइस। जब आपकी स्मूथनिंग कंप्लीट हो जाती है, 3 डेज़ ओवर हो जाते हैं, तो वो आपको शैम्पू दिखाएंगे पार्लर में कि ये हमारे शैम्पू है स्मूथनिंग के, आपको यही यूज़ करने हैं, वो आपको डेफिनेटली ये बोलेंगे, तो आपको बात इग्नोर कर देनी एंड बोल देना मैं बाहर से परचेज कर लूँगी एंड वहाँ से निकल जाते हैं, तो आपको मैं बताती हूँ कौन सी शैम्पू हमने जो यूज़ किए थे आफ्टर स्मूथनिंग, वो था फर्स्ट मैट्रिक्स का, जो ऑरेंज वाला आता है ना, वो हमने यूज़ किया है, मतलब उस स्मूथनिंग के जस्ट बाद हमने उससे हेयर वॉश स्टार्ट कर दिया, मैट्रिक्स का शैम्पू, कंडीशनर भी उसका, और स्ट्रिक्स का सीरम जो ब्लू वाला आता है ना, स्ट्रिक्स का, वो हमने यूज़ किया है। अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए मैं लिंक्स भी लगा दूँगी इफ़ यू वॉन्ट प्रोडक्ट्स के, तो हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किए थे, थोड़े कॉस्टली थे बट ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, मतलब ठीक थे, तो मतलब हमने स्मूथनिंग के दो बॉटल्स उनकी लगाई है। देन जो थर्ड स्टेप हमने करा हम सिस्टर्स ने, देन हम ट्रेसेमे पे आ गए या लॉरियल पे आ गए, देन ट्रेसेमे एंड लॉरियल हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स भी हाई है रेंज में, मैट्रिक्स भी ना हाई रेंज का ही है शैम्पू, तो वो ज़्यादा यूज़ हमने नहीं करा प्रेफर,
कुकीज़ हमने स्मूथनिंग करवा रखी है, तो फिर हमने दो बॉटल्स मतलब मैगनेस की यूज़ करी। मैं ये प्रेफर करती हूँ, अगर आपकी फर्स्ट स्मूथनिंग है तो आप दो बॉटल तो कम से कम यूज़ करो मैट्रिक्स की, अगर आपकी सेकंड है तो आप फर्स्ट ही यूज़ करो। मैंने अपनी सेकंड स्मूथनिंग में एक ही बॉटल मैट्रिक्स की लगाई है बस, उसके बाद मैं ट्रेसेमे एंड ट्रेसेमे पे आ गई, मतलब मेरे को लोरियल सूट नहीं होता तो मैं ट्रेसेमे पे आ गई, तो मैं ट्रेसेमे यूज़ कर रही हूँ और मेरे बाल अभी भी बहुत सही है चल रहा है, मतलब एक साल होने वाला है मेरी स्मूथनिंग को, सेकेंड स्मूथनिंग है मेरी, मेरे सिस्टर्स की भी सेकेंड थर्ड ऐसे ही स्मूथनिंग्स है। सो ये हमने किया, देन हमने देन आपको है केयर कैसे करनी है, आप बालों को मतलब ज़्यादा ही खुला छोड़ो, मैं आपको यही बोलती हूँ, ना पोनी बनाओ ना कुछ करो, मतलब ऐसे ही ओपन रहते ही है, हम घर में रहते हैं हम ऐसे ही रहते हैं हमारे हेयर्स, तो ओपन ही रखो, प्लेट गुद की छोटी तो बिल्कुल ना बनाए, अवॉइड ही करें कुछ टाइम के लिए तो अवॉइड ही, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं 6 मंथ तक, तो ऑयलिंग बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देना, ऑयलिंग बिल्कुल मत करना 6 मंथ तक, मैंने 6 मंथ तक नहीं करी ऑयलिंग, बिल्कुल भी नहीं करी, कोई मतलब होम इंग्रेडिएंट्स, कोई भी मास्क कुछ नहीं, शैम्पू कंडीशनर सिरप बस, दैट्स इट, इतना ही करना है। और 6 मंथ आपकी स्मूथनिंग को हो जाते हैं जब, तब हल्की फुल्की ऑयलिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने हेयर्स पे, लाइक कोकोनट ऑयल ले लिया हल्का सा एड, उसको कर लिया, वो भी एवरी वीक नहीं 2-3 वीक्स में एक बार ऐसे लेना। अभी जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ अपने हेयर्स का, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अभी मैं जो कर रही हूँ मैं लेती हूँ थोड़ा घी, देसी घी जो होता है, एंड वो अपने बालों पर लगाती हूँ 2 या 3 वीक्स में एक बार, मैं ये कर रही हूँ, मेरी सिस्टर जो है वो ऑयलिंग करती है। सो आपको अगर कोई स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको कमेंट्स में आंसर कर दूँगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर। अरे अरे रुको, बाय नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दे रही, भूल गई मैं, जो आपने मुझसे मेन क्वेश्चन पूछा था कि आपके हेयर फॉल्स नहीं होते, आपके हेयर में डैमेज नहीं होते, गाइस हमारे हेयर फॉल्स नहीं होते, मतलब होते हुए तो बहुत कम होते हैं, टच वुड बहुत ज़्यादा कम होते हैं, डैमेज भी नहीं है हेयर्स, नहीं उड़ रहे हवा में, डैमेज भी नहीं है, क्योंकि केयर के ऊपर है कि आप कैसा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को। अगर जिसके वहाँ पर खारा पानी आता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिसके वहाँ पर खारा पानी आता है वो आरओ के पानी से अपना हेयर वॉश करें, हमारे यहाँ पर साफ़ आता है तो हम तो मतलब नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं, जिसके वहाँ पर खारा पानी आता है ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, आपको आरओ के पानी से ही अपना सर धोना पड़ेगा, ये बहुत ध्यान रखना। एंड केयर के ऊपर है किस तरह से आप केयर कर रहे हैं, मतलब सब कुछ लड़की होती है वो जूड़ा बना लेती है बालों का, चोटी बना लेती है स्टार्टिंग में ही, गुद की चोटी बना लेती है, तो ऑब्वियसली बाल आपके ख़राब होंगे और मुंडे भी शुरू हो जाएंगे, तो सब कुछ है केयर, इज़ ऑल अबाउट केयर, तो केयर करो, ओके।